अब ये एक एग्जांपल लिया है जिसमें कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब इसका भी नाम लिखेंगे, यानी दो दो कॉम्प्लेक्स आयन साथ में जुड़ा हुआ है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा दोनों मिला करके, क्योंकि कैटायन ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स, दोनों साथ में है, ये कैटायन हो गया एनायन, यानी काउंटर आयन भी कॉम्प्लेक्स है ना, केटायन एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स। अभी तक जितना पढ़े थे उसमें केटायन कॉम्प्लेक्स होता था या एनायन कॉम्प्लेक्स होता था, दोनों नहीं था। ये पहला एग्जांपल लिया जिसमें केटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो दोनों का ही हमको नोमेनक्लेचर लिखना होगा, जो रूल हम पढ़ाए हैं उस रूल के हिसाब से लिखना होगा। पहले केटायन का लिखेंगे फिर एनायन का लिखेंगे, उसके पहले डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन केटायनिक है और कौन एनायनिक है। जनरली जो होता है लेफ्ट साइड में वो कैटायनिक होता है, राइट साइड में जो लिखा होता है एनायनिक होता है। तो आप ध्यान देंगे इस पर, तो ये PtCl4 है लिखा हुआ, इस पर जो है ये -2 आता है ना, ठीक है। और ये जो है ओवरऑल चार्ज इस पर +2 है इस स्क्वायर ब्रैकेट पर, और इसके ऊपर ओवरऑल -2 है, तो +2 -2 न्यूट्रलाइज हो गया, तो इंटायर मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो गया। दुनिया का हर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, दुनिया का हर कंपाउंड न्यूट्रल होता है, ये भी कंपाउंड न्यूट्रल होगा। तो कैटायन पे जितना चार्ज होगा उतना ही एनायन पे भी होगा, तो कैटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 है तो एनायन का भी -2 है, तो 0 हो गया। अब इसके हिसाब से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालते हैं, यहाँ -2 है ना, इसके चलते क्या है, इसके चलते हो गया हमारा -4। एक क्लोरीन के लिए होता है, ठीक है, ऊपर लिखते हैं इस क्लोरीन के लिए -4 हो गया, चार वो क्लोरीन है, तो इसका पर कितना देंगे कि हम -2 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम +2 देंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा। कैसे निकालते हैं, x प्लस ये चार को है तो 4 × -1, ओवरऑल चार्ज कितना है -2, तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, x -4 = -2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 + 4 = +2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 निकल गया इस मेथड से भी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ +2 ओवरऑल चार्ज है, ठीक है, तो ओवरऑल +2 लाना है। ये दो क्लोरीन है इसलिए -2 हुआ, एक क्लोरीन रहता है -2, चार अमोनिया है इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, 0 है। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ +2 लाने के लिए यहाँ पर जो है हमको +4 देना होगा, तभी ना +2 आएगा। अभी इस मेथड से कैसे निकालेंगे, प्लेटिनम का हम जो है एक्स मान लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, अमोनिया का 0 होता है तो 4 × 0, और क्लोरीन का -1 होता है तो 2 × -1 = क्या, ओवरऑल चार्ज कितना लाना है +2, ठीक है। तो x −2 = +2, तो x = क्या होगा +2, तो उधर रहेगा +2 = हो जाएगा +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गया। तो दोनों का ही ऑक्सीडेशन स्टेट हमने डिटरमाइन कर दिया है, ठीक है। तो डिटरमाइन दोनों का हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पर +2 है तो ये कैटायनिक है, इस पर -2 है तो ये एनायनिक है, ठीक है। तो बता देते हैं, अब इसका नाम लिखते हैं, तो नाम क्या लिखेंगे, पहले केटायन का नाम लिखेंगे। केटायन में दो लिगेंड है, क्लोरीन है, दूसरा अमाइन है। अमाइन ए से शुरू होता है, क्लोरीन जो है सी से शुरू होता है, ये पहले आएगा, इसे अमाइन पहले लिखेंगे, क्लोरीडो बाद में लिखेंगे, पहले लिगेंड को लिखा जाता है। तो अमाइन कितना है, 4 है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। इसके बाद क्लोरीन है, दो क्लोरीन है तो डाई क्लोरीडो होगा, डाई क्लोरीडो, डाई क्लोरीडो, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरीडो। उसके बाद क्या है, प्लेटिनम, ये कोई कैटायनिक है तो जो ओरिजिनल नाम है वही लिखेंगे, सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे प्लेटिनम, और उसके बगल में जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रहे, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 4 है,
यहाँ क्या लिखाएगा, 4 लिखाएगा, ठीक है। और उसका थोड़ा सा हल्का स्पेस देंगे क्योंकि अब एक एटाइन को हमने लिख दिया, अब एनाइन को लिखेंगे। तो एटाइन और एनाइन के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, उसके बाद अब एनाइन को एनाइन में लिगेंड है, कितना लिगेंड है, 4 क्लोरीन हो तो टेट्रा क्लोरीड हो, टेट्रा क्लोरीडो, 4 क्लोरीन है ना, तो टेट्रा क्लोरीडो हो गया, टेट्रा क्लोरीडो प्लेटिनम, प्लेटिनम यहाँ में है क्योंकि माइनस स्क्वायर के ऊपर माइनस है, तो इसका मतलब ये एनाइनिक है, तो एनाइनिक में जो सेंट्रल एटम होता है उसको एटी से अंत करना पड़ता है, तो यहाँ पर वो लिखाएगा प्लेटिनेट, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है ये प्लेटिनेट। इसके बगल में हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, यहाँ प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाले हैं, +2 निकाले हैं, तो रोमन लेटर में हम लोग यही नाम हो गया इस कॉम्प्लेक्स का, जिसमें केटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये कंपाउंड हो गया हमारा टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 4, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट 2, ठीक है। इसी तरह का एग्जांपल फिर हमने लिया है, ये भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एनायनिक है, कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही है, दोनों इसमें है, ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है, ये कैटायन है, ये एनायन है, दोनों साथ में है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है, कैटायन और एनायन दोनों एक दूसरे के लिए काउंटर आयन बन चुका है और दोनों ही कॉम्प्लेक्स में है, तो दोनों का नाम हमको लिख देना है एक ही साथ, एक ही लाइन में, पहले कैटायन का लिखेंगे फिर एनायन का। तो पहले पता कर लेते हैं जिसमें कौन कैटायन है और कौन एनायन है। जनरली जो है लेफ्ट साइड में कैटायन होता है और एनायन जो है राइट साइड में, ये एनायन होगा, देख के भी पता लगा लेते हैं, CrCl6, ठीक है ना, CrCl6 है, ये जो है -3 आएगा इसके ऊपर ओवरऑल, तो इसके ऊपर आ जाएगा +3, ठीक है, Cl6 है, Cr3+, तो ये -3 है ना यहाँ, और ये +3 है, यहाँ 3 है कि नहीं, या अकेले यहाँ 3 दिया हुआ, देख लीजिए कैसे लिखते हैं, Al2O3 ऐसा ही लिखते हैं, तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या हो जाता है, Al3+O2- ही ना हो जाता है, इसका यहाँ भी क्रिस क्रॉस हुआ, 3 यहाँ पर है, इसका मतलब 3- यहाँ, तो ये 3 आ गया यहाँ पर, और इस पर 1 आएगा इसके ऊपर, तो अगर आप बैलेंसी के टर्म में देखेंगे, इस पर -3 होगा तो इस पर +3 होगा, ये 3 पर +3 है तो 1 पर +1 होगा, ठीक है। इस तरीके से जो क्रिस क्रॉस से हम निकाल लिया था, यहाँ 3 है इसलिए इस पर -3 होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ +1 होगा, एक होगा, ठीक है, ये हमको पता चल गया कि कौन कैटायनिक है कौन एनायनिक है, तो ये एनायनिक हो एक कैटायनिक हो। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो +3 है वो 3 ठो पर है, ये ऐसा ऐसा 3 हुआ, एक ठो रहेगा CO NH3 होल 4 Cl2, एक रहेगा, तो एक पर जो है ये कितना आएगा +1 है, जो अकेले पर -3 है यहाँ, लेकिन इस पर 3 ठो पर +3 है, तो एक ठो पर +1, ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। और ऐसे भी अगर देखोगे, अगर दोनों को हम अलग करते हैं तो ये 3 यहाँ चला आएगा और यहाँ पर 1 है लिखा हुआ, तो 1 इस पर आएगा, तो इसका जो है 1 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा, ऐसे भी क्रिस क्रॉस से भी पता कर सकते हैं। और चूंकि 3 के ऊपर +3 है तो 1 के ऊपर +1, तो अब इसका हम लोग जरा पता कर लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये क्लोरीन का कितना होगा, -2 होगा क्योंकि 2 है, अमोनिया के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है, यहाँ +1 लाने के लिए क्या करेंगे, हम +3 दे देंगे, है ना। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, CN है तो 1 CN पर -1 होता, 6 CN है तो -6 इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, अब यहाँ ओवरऑल -3 लाना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर +3 दे देंगे, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गया, कोबाल्ट का भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 हो गया,
और फिर एक्स से भी हम लोग निकाल लेते हैं। अगर हम एक्स के टर्म में निकालेंगे तो एक्स प्लस ये क्या होगा 4 × 0, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है, और क्लोरीन कितना है 2 है, और एक क्लोरीन पर -1 होता है इक्वल टू +1। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या निकलेगा -2 x -2 इक्वल टू +1। एक्स इक्वल टू क्या होगा +1 + 2 इक्वल टू +3। तो 3 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका भी निकाल सकते हो। एक्स प्लस 6 हो ये -1 इक्वल टू -3 ओवरऑल। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, और इधर से जाएगा -6 तो +6 हो जाएगा, तो +3 आएगा। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया। इसलिए ओवरऑल जो है दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का जो है 3। इसका नाम अब क्या हो जाएगा, जरा नाम अब लिखते हैं इसका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखा है इसका ऑक्सीडेशन डेवलप करने के लिए, तो यही कंपाउंड तो पिछले टाइम का नाम लिखेंगे अमाइन है, ग्रीन है, पहले अमाइन को लिखेंगे हम लोग। अमाइन कितना है 4, तो क्या लिखेंगे हम लोग टेट्रा अमाइन। क्या लिखेंगे टेट्रा अमाइन। क्लोरीन कितना है 2 है, डाई क्लोरीडो 2 है इसलिए डाई लगा, 4 है इसलिए टेट्रा लगा, 4 है तो टेट्रा, 2 है तो डाई। ठीक है, तो अमाइन हो गया पहले, उसके बाद क्लोरीडो हो गया, लिगेंड हमने लिख दिया। लिगेंड लिखने के बाद सेंट्रल एटम लिखेंगे, क्या ये कोबाल्ट है, ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो जो नाम होता है मेटल का वही लिखेंगे कोबाल्ट। और बगल में हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कितना निकाला है 3, तो इसलिए हमने ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3। फिर अब हमको क्या लिखना है, ये एनायन का लिखना है। ठीक है, तो केटायन और एनायन के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन होता है, तो सेपरेशन करके स्टार्ट करेंगे। ये भी तो कॉम्प्लेक्स ही है, तो पहले लिगेंड लिखेंगे CN है, 6 है, 6 है, तो ये हेक्सा लिखाएगा, हेक्सा क्या है सियानो है, CN क्या होता है सियानो, CYANS हेक्सा सियानो, क्या हो गया हेक्सा सियानो, हेक्सा सियानो, ये क्रोमियम है। अब यहाँ क्या है एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ये, तो एनायनिक में क्या होता है ATP संयुक्त होता है, तो क्रोमियम है, क्रोमियम से हो जाएगा क्रोमेट, क्रोमियम से क्या हो जाएगा क्रोमेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्रोमियम का 3 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रोमन लेटर में 3 लिखेंगे, तो इसका नाम यही हो गया टेट्रा अमाइन डाई क्लोरीडो कोबाल्ट 3 हेक्सा सियानो क्रोमेट 3, ये इसका नाम है। ओके,